अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज की वीडियो में हम पावर डायोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने पावर डायोड की रिवर्स रिकवरी टाइम और पावर डायोड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। रिवर्स रिकवरी करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम पावर डायोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इनको डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस को नहीं देखा तो उनको देख लें, ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर वन। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, द पावर डायोड्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो जो पावर डायोड्स, उनको कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पिछली वीडियो के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो पावर डायोड को बेसिकली जो हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है जनरल शॉक ट्यूब, जनरल पर्पज़ और स्टैंडर्ड डायोड पर्पज डायोड हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो शॉक ट्यूब डायोड हैं। और थर्ड कैटेगरी जो फास्ट रिकवरी डायोड्स। तो ये हमारे इनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिज मेजॉरिटी कैरियर्स इन द शॉक ट्यूब डायोड। तो शॉक ट्यूब डायोड होता है, उसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर इन शॉक ट्यूब डायोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शॉक ट्यूब डायोड के अंदर सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। देयर इज़ अ नो माइनॉरिटी कैरियर प्रेजेंट इन द शॉक ट्यूब डायोड। शॉक ट्यूब डायोड के अंदर कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते। शॉक ट्यूब डायोड सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर के अंदर वर्क करता है। तो इसमें जो राइट आंसर बता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, विच आर द फॉलोइंग इज द मेजॉरिटी कैरियर इन द शॉक ट्यूब डायोड। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द डायोड द वोल्टेज कंडीशन ऑफ अ डायोड द वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन जो होती है, हमारे पास जो वीडी होती है डायोड वोल्टेज, वो ग्रेटर देन जीरो होती है। क्योंकि हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो हमारे पास जो विड्थ डिप्लेशन रीजन वो डिक्रीज हो डिक्रीज होने का डिक्रीज हो जाती है। और विड्थ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जंक्शन कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है क्रॉस जंक्शन। तो हमारे पास जो डायोड क्रॉस जो वीडी वोल्टेज बाय डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होती है। क्योंकि डायोड जो कंडक्टिंग फॉर्म के अंदर होता है, 0.7 के ऊपर वो कंडक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है 0.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन डायोड के लिए है, और 0.3 जो है हमारे पास जर्मेनियम डायोड के लिए है। तो डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड इज इन। तो डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर एक वीडियो के अंदर, हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड के बारे में डिस्कस किया है। तो डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो फ्यू नैनो सेकंड टू द माइक्रो सेकंड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास, फॉर द डायोड द रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड है द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट डायोड करंट बिकम जीरो एंड द इंस्टेंट रिवर्स रिकवरी करंट डिकेज टू द 25% ऑफ द रिवर्स पीक करंट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डायोड के कर्व के अंदर ये चीज़ मेंशन है ये। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड जनरल पर्पज डायोड। दो स्टैंडर्ड और जनरल पर्पज डायोड होते हैं, उनकी वोल्टेज रेटिंग किस तरह है। उनकी जो वोल्टेज रेटिंग है हमारे पास 50 वोल्ट टू 5 kVA, 5 kV। तो जो स्टैंडर्ड और जनरल पर्पज डायोड की तीन कैटेगरीज थी, जो हमारे पास पावर डायोड की तीन कैटेगरीज थी। तो फर्स्ट कैटेगरी है जनरल पर्पज डायोड, उनकी जो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है 50 वोल्ट टू 5 kV। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन द गिवन कर्व टी ए एंड टी बी इज नाउन हैज। तो इस कर्व के अंदर हमें टी ए और टी बी दिए गई, टी ए और टी बी के बारे में उसने पूछा है। ये हमारे पास टी ए है, ये हमारे पास टी बी। तो ये रिवर्स रिकवरी करैक्टरिस्टिक और डायोड का कर्व है। टी आर इज अ रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। तो टी ए एंड टी बी का जो रेशियो है, इसके रेशियो के द रेशियो ऑफ टी ए एंड टी बी, तो मीन्स टी ए डिवाइडेड बाई टी बी के, जिसको हम रेशियो को हम सॉफ्टनेस फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा लो वैल्यू होती है सॉफ्टनेस फैक्टर की, वेरी स्मॉल वीडियो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये 25% पिछले वीडियोज में एमसीक्यूज में हमारे पास कार के अंदर ये प्रेजेंट है। पिछले एमसीक्यूज के अंदर यही चीज़ उसने पूछी थी, 25% ऑफ रिवर्स रिकवरी पीक टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड इज, तो जो उसकी इक्वेशन बन जाती है, इसके मुताबिक हमारे पास द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड विल बी टी आर आर विल बी इक्वल टोटल टी आर आर इज इक्वल टू द टी ए प्लस टी बी। जो टोटल टी आर आर है वो इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। तो रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड की जो इक्वेशन बनती है, टी आर आर विल बी इक्वल टू द टी ए प्लस टी बी। तो इसके अंदर, इसके बारे में हमने डिटेल के अंदर पिछली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था। तो आप इसको मजीद अगर देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोज़ को देख लें, तो आपको आपका कंसेप्ट रिकवरी रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड के बारे में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है टी ए एंड टी बी, फिर वही क्वेश्चन आएगा द रेशियो ऑफ टी ए एंड टी बी इज नाउन एज अ सॉफ्टनेस फैक्टर, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इन शॉकी डायोड द रिवर्स रिकवरी इफेक्ट इज ड्यू टू द, शॉकी डायोड के अंदर रिवर्स रिकवरी इफेक्ट फेस होता है ड्यू टू द सेल्फ जंक्शन कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द जंक्शन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो को इसके अंदर डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास शॉकी डायोड हैज़ द करंट फ्लो ड्यू टू द होल्स ऑनली, द हैज़ नो रिवर्स रिकवरी टाइम। शॉकी डायोड जो है इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है, शॉकी डायोड हैज़ नो रिवर्स रिकवरी टाइम, ये सिर्फ मेजॉरिटी कैरेज के ऊपर वर्क करता है शॉकी डायोड, तो इसके अंदर कोई भी रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं आए, तो इसके अंदर कोई भी माइनॉरिटी कैरेज भी प्रेजेंट नहीं होते, तो आपने याद रखना है शॉकी डायोड हैज़ नो रिवर्स रिकवरी टाइम, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है द फास्ट रिकवरी डायोड हैज़ रिवर्स रिकवरी टाइम, तो हमारे पास एक और कैटेगरी थी वो फास्ट रिकवरी डायोड है, ये भी हमारे पास पावर डायोड की टाइप्स है, तो उसके जो रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक टाइम जो बन रहा है हमारे पास वो ऑप्शन सी लेस देन 5 माइक्रोसेकंड है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इनके एमसीक्यूज़ के अंदर ये ज़्यादातर एग्जाम में आ जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है द वोल्टेज रेटिंग ऑफ शॉकी डायोड, तो शॉकी डायोड की जो वोल्टेज रेटिंग है वो लेस देन 100 वोल्ट है, इसको आपने याद रखना है। शॉकी डायोड ही बेसिकली पावर डायोड की टाइप है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है द पावर डायोड आर मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम जर्मेनियम सिलिकॉन जनन दीप, तो पावर डायोड जो नॉर्मली ज़्यादातर जो बेसिकली हमारे पास सिलिकॉन से बने जाते हैं, ज़्यादातर जो पावर डायोड जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सिलिकॉन एज ए मटेरियल को यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 अ पावर डायोड विद अ स्मॉल सॉफ्टनेस फैक्टर, तो हमें पता है कि जो पावर डायोड का सॉफ्टनेस फैक्टर का होता है रेशियो ऑफ टी ए डिवाइडेड बाई टी बी, तो सॉफ्टनेस फैक्टर तो इसका सॉफ्टनेस फैक्टर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ड्यू टू द बिकॉज द लार्ज पीक बिकॉज ऑफ द लार्ज पीक करंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पावर डायोड विद स्मॉल सॉफ्टनेस फैक्टर हैज़ लार्ज पीक रिवर्स करंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।